हम बात कर रहे हैं डेनियल सेल, और ये एक तरह से गैल्वेनिक सेल का ही एक पार्ट है। तो हेडिंग क्या डालेगा आपका? वैसे देखा जाए तो वोल्टाइक सेल, या आप इसको क्या बोलते हो, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में बहुत सारे सेल हो सकते हैं। हम एक ही एग्जाम्पल पढ़ेंगे अभी से, और उसका नाम है डेनियल सेल। डेनियल सेल, समझना इसको बहुत अच्छे से, आसान भाषा में। ये आपके पास मेटल रहेगा, इस मेटल का नाम क्या है? जिंक। अगर जिंक की जगह कोई और मेटल ले लिया जाए तो फिर आप उसको आप डेनियल सेल नहीं बोलोगे। और ये रहेगा आपके पास इसको आप रखोगे जिंक सल्फेट के अंदर। जिंक सल्फेट ZnSO4 रख दिया आपने। अब आप अभी कुछ भी मत करो, ये आपने कॉपर वायर ले लिया, ठीक है। इस कॉपर वायर में आपने कोई भी बल्ब लगा दिया छोटा सा, मान के चलिए। दूसरी तरफ आपने क्या लिया? कॉपर इलेक्ट्रोड, यानी कॉपर मेटल, और उसको क्या कर दिया आपने? कॉपर सल्फेट के अंदर डिप कर दिया। तो कॉपर सल्फेट एक्वस है, यानी पानी भी मिला हुआ है। वो तो ऑब्वियसली ये सब एक्वस ही मीडियम में बात करते हैं हम। यहां हमारे पास ये हो गया हमारा सेल का कंटेनर, मतलब एक सर्किट तैयार हो गया। अब बात अभी खत्म नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि जैसे ही मैंने ये करा, मैंने यहाँ बल्ब लगाया, मैं क्या देखता हूँ कि बल्ब जला और बंद हो गया 1 सेकंड के लिए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं सर्किट कंप्लीट नहीं था। इंटरनल इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मैंने एक और इस तरह की यू शेप की डिवाइस लगाई। ये डिवाइस को मैंने नाम दिया सॉल्ट ब्रिज। क्या नाम दिया? सॉल्ट ब्रिज। अब ये पूरा डिवाइस कंप्लीट हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया, और इस तरह से मेरे को अब करंट कंटिन्यू मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। कुछ घंटे बाद ये रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे दोनों तरफ, और आपका करंट स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ रहा? कभी ना कभी तो डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ बोलो। हाँ, वो सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है बेटा। नहीं, सॉल्ट ब्रिज का काम मेन अभी सर्किट को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो रिएक्शंस क्या हो रही होगी? यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, ZN ZN+2 में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हुए यहां आएंगे, और कॉपर प्लस टू जो लिया हुआ है आपने, उनको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, जिससे ये क्या हो जाएगा? कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि यहाँ कॉपर की क्वांटिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, क्योंकि कॉपर प्लस टू से कॉपर में आ रहा है, जबकि यहाँ क्या हो रहा है? जिंक जिंक प्लस टू में आ रहा है। तो ये वाली क्वांटिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, और इसमें जिंक प्लस टू की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस ये वाली क्वांटिटी तो बढ़ेगी, और इसमें ये वाली क्वांटिटी कम होगी। जिंक कम होगा, कॉपर बढ़ेगा। आ रही है बात समझ में? एक समय ऐसा होगा कि ये ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया है, रिएक्शन रुक जाएगी, या ऑलमोस्ट ये नहीं, ये खत्म सा हो गया, रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, या ये खत्म हो गया कॉपर प्लस टू तो भी स्टॉप हो जाएगी। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो कभी ना कभी तो खत्म होना तय है, लेकिन फिर भी बहुत देर के लिए आपको करंट मिल रही है, मिल रही है। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? ये सेल कितना बड़ा है? मान लीजिए अगर इसको मैं किसी की इंस्ट्रूमेंट या मोबाइल के लिए यूज करना चाहूंगा, तो क्या दोनों कंटेनर को ऐसे लटका के देखूंगा क्या? नहीं। तो अब मॉडर्न जो सेल है, या बैटरी बोला जाए, उसके अंदर हमने क्या करा? सॉल्ट ब्रिज को कहीं ना कहीं हमने सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से रिप्लेस करना शुरू कर दिया, और लिक्विड की जगह हम क्या यूज करने लगे? ड्राई इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ड्राई का मतलब सूखे, जिससे लिक्विड ना हो। लिक्विड होने की वजह से क्या होता है? कई बार वो ओवरफ्लो करके
आपके मोबाइल को खराब कर सकते हैं। तो प्योर ड्राई आप यूज करने लग गए, हर जगह ड्राई बैटरी यूज हो रही है। लिक्विड तो अपन कहाँ यूज करते हैं सिवाय इन्वर्टर के छोड़कर, क्योंकि इन्वर्टर को अपन को उठा के जाना नहीं पड़ता। नहीं, सब जगह ड्राई है, ठीक है। अब होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो गैसेस निकलती है वो बाद में उसमें मॉइस्चर लेके वो एक्वा सॉल्यूशन बना लेती है, अगर वो डेली क्वेश्चन टाइप कोई प्रॉपर्टी आ रही है। तो वो जो बैटरी के अंदर जो लिक्विड दिखता है आपको कई बार, वो बाहर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके बनाया हुआ है, अंदर से लिक्विड नहीं बना है। इज दैट क्लियर? तो यहां आप ये मान के चलो कि हम जितनी भी बैटरी यूज कर रहे हैं पॉकेट के अंदर रखने वाले इंस्ट्रूमेंट में, वहां तो हमें ड्राई ही यूज करनी पड़ेगी। या घड़ी हुआ, मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, आपका टैबलेट हुआ, इन सब में कौन सा सेल यूज करोगे ड्राई? समझ में आ रहा है? और दूसरी बात ये आ रही है कि खैर ये चीज क्लियर हो गई। तो ये एक तरह से जो हमारा डेनियल सेल है ये हमारे लिए सिर्फ मॉडल मात्र है, यूज नहीं कर रहे अब हम इसे, सिर्फ बता रहा है कि जो गैल्वेनिक सेल है उसका वर्क फंक्शन कैसे होता है। समझ में, इसलिए हमारे सिलेबस में भी है। बाकी इसकी एप्लीकेशंस ऑलमोस्ट क्या हो गई, खत्म सी हो गई जनरल लाइफ में। तो अब आपने क्या देखा, इसने इलेक्ट्रॉन लिबरेट किए, वो इलेक्ट्रॉन घूम के ऊपर जाएंगे और वापस यहाँ आएंगे। तो ये किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देना है, यानी यहाँ क्या हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो, जल्दी से बोलो, ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये एक तरह से नेगेटिव इलेक्ट्रोड का भी काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देना नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। दूसरा, ऑक्सीडेशन किस को क्या बोलते हैं, एनोड। इसके अपोजिट यहां इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये क्या हो जाएगा एक तरह से रिडक्शन, अगर ये रिडक्शन। दूसरा, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने किसका काम होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। मेरे साथ लिखो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये क्या हो जाएगा एक तरह से एनोड की जगह ये क्या हो जाएगा कैथोड। तो ये एक बेस मॉडल है वोल्टाइक सेल को समझाने का। बस एक और चीज जो मैं छोटी छोटी चीजों पे डिस्कस कर रहा हूँ कि सॉल्ट ब्रिज कैसे फंक्शन करेगा वो भी हमें पढ़ना है। ये केवल हाफ रिएक्शन है और ये भी हाफ रिएक्शन है, तो कंप्लीट रिएक्शंस क्या होगी, कंप्लीट रिएक्शंस आपके पास होगी, देखा जाए तो रिएक्टेंट जिंक प्लस कॉपर प्लस टू, और ये क्या हो जाएगा Zn प्लस टू और प्लस कॉपर सॉलिड, यहां एक्वस और यहां एक्वस। आप क्या चाहेंगे कि ज्यादा देर तक आपको करंट मिले, तो आप क्या चाहोगे, ज्यादा से ज्यादा जिंक मेटल रखो और ज्यादा से ज्यादा कॉपर आयन की कंसंट्रेशन रखो, आपको अपने आप अच्छा खासा क्वांटिटी मिलेगी। धीरे धीरे ये दोनों क्वांटिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी, और ये दोनों क्वांटिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, पक्का। और जब एक कंडीशन आ सकती है जब ये रिएक्शन सेचुरेटेड पॉइंट पे आ जाएगी, और वहीं हमें बैटरी हमारी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज। तो ये छोटा सा पॉइंट हुआ जो आपको क्लियर होना चाहिए दिमाग में। फिर भी मैं आपको और चीज बताता हूँ कि ये सॉल्ट ब्रिज वर्क कैसे करेगा और इसका काम क्या है। अब इस पे आते हैं, मान लीजिए अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो क्या होता, ये इलेक्ट्रॉन देना तो चाहता है, ठीक है, जिंक प्लस टू कंटेनर में आ गया, जिंक प्लस टू कंटेनर में आने के बाद अब वो क्या करेगा, वो अनस्टेबल है क्योंकि उसको एनायन नहीं मिल रहा है। कोई भी कैटायन अपने आप में क्या होता है, अनस्टेबल है। तो वो जो ये पोटेंशियल है जो यहाँ लग रहा है, ठीक है, उस पोटेंशियल को क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी कि एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जिंक नए बनने वाले जिंक प्लस आयन को रोक देगा, कि हम जो पहले बने हुए हैं उन्हीं को एनायन नहीं मिला है तो क्या बन करके आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए कि सपोज आपने इंजीनियरिंग कर ली और आपको जॉब नहीं मिलेगी तो नए वालों को आप रोक लोगे, भैया क्यों इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टरी कर, यार हमें जॉब नहीं मिल रही। तो वही हाल इस जिंक का है कि इसको जॉब नहीं मिलेगी, इसको एनायन नहीं मिलेगा तो सामने वाले को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो एक तरह से जो पोटेंशियल है उसको कम कर देगा। ये पोटेंशियल का मतलब क्या हो रहा है, ये पोटेंशियल का मतलब हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नए जिंक की, इसको बोलेंगे इस जगह लिक्विड जंक्शन पॉइंट पे। तो लिक्विड जंक्शन पॉइंट यानी कि जहां लिक्विड और मेटल आपस में एक दूसरे को अटैच करे हुए हैं, वहीं पे यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, हर जगह नहीं होता। तो लिक्विड जंक्शन पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। समझ में आ रही है बात? और वहीं पे यानी ये कैटायन कहां बनता है, क्या यहां बनता है, नहीं, जिंक इस जगह है। तो
तो यहां से जिंक निकलेगा और इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसको बोलेंगे लिक्विड जंक्शन पॉइंट। तो और जिस फोर्स से वो बन रहा है उसे बोलेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये फोर्स दो बातों पर डिपेंड करता है, एक इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी और दूसरा ऊपर खींचने की टेंडेंसी। ऊपर कहां से खींचेगा, ऐसे करते खींचने की टेंडेंसी इस पे। तो एक तरह से यहां पर दोनों पॉइंट का आपके पास ये पॉइंट आएगा। तो आ रहा है समझ में? तो अगर मुझे कहा जाए कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बनने वाले Zn प्लस टू को न्यूट्रल करना है। ये कैसे करेगा, कैसे करेगा? ऑब्वियसली उसको एनायन देके। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? पहला, फर्स्ट जो सॉल्यूशन है Zn प्लस को कुछ भी दे दे, कोई भी एनायन देके न्यूट्रल बना दे, तो क्या बोलोगे आप? मेंटेन न्यूट्रल सॉल्यूशंस। समझ में आ रहा है? बस यही है, मेंटेन न्यूट्रल सॉल्यूशंस। सेकंड, यहां केटायन बन रहा है तो इसको क्या देगा? एनायन। यहां क्या बन रहा है? यहां केटायन गायब हो रहा है तो इसको क्या देगा? केटायन। तो इस तरफ तो केटायन देगा और इस तरफ एनायन देगा। तो मेंटेन न्यूट्रल सॉल्यूशंस इन बोथ साइड, एक ही तरफ नहीं दोनों तरफ, बोथ साइड। दूसरा, एक तरह से इसको ऐसा भी बोल सकता है फॉर कंप्लीट इंटरनल सर्किट, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए काम आता है। तो ये सर्किट को इंटरनल जो भी आपने करा कंप्लीट कर गया। दूसरा, थर्ड अगर हम बात करेंगे, सर्किट को कंप्लीट कर दिया, तीसरा जो मेरा काम आ रहा है वो है रिड्यूस्ड, टू रिड्यूस क्या बोला जाएगा, रिड्यूस जंक्शन। पक्का? तो रिड्यूस का क्या करेगा वो, जो एक तरह से लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है जो रोक रहा है उसको उसको रोकेगा। एक तरह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो कह रहा है कि मत बन, हम बन चुके हैं इस जगह, तो यहां पर एक तरह से रिड्यूस कर देगा उस जो मना कर रहे हैं ना उसको, वो रोक देगा, मत मना कर यार, मैं दे तो रहा हूं तेरी मदद, मैं तो कर रहा हूं। तो टू रिड्यूस जंक्शन नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब रोकने वाले पोटेंशियल को। फोर्थ, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहां पर और क्या काम कर सकता है ये, मेन तो आपने लिख ही लिया, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करना, मेंटेन द न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो रिड्यूस द जंक्शन नेगेटिव पोटेंशियल, तो जो रस पोटेंशियल है उसको वो रिड्यूस कर देगा। एक और, ये बना कैसे है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है, आप देख रहे हैं यूट्यूब है, यूट्यूब, इट इज ए यूट्यूब फॉर्म बाय, इसको मैं किससे बनाऊंगा, रबड़, सबसे अच्छा है रबड़ या ग्लास, कुछ इस तरह का मेटल ले लूंगा, ठीक है मटेरियल। और दूसरा क्या कर दूंगा मैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट यूज करूंगा क्योंकि कैटायन एनायन तो देना ही है, तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ले लूंगा मैं, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लूंगा जिसके अंदर केटायन और एनायन दोनों छोटे हों और लगभग आसानी से निकल सके। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या ले लूंगा, NaF या KF, कुछ भी ले सकता हूं, या NaNO3 भी चलता है, या KNO3 या NaF, आपस में ये चारों केटायन एनायन में से कोई भी चलेगा। थर्ड, जो ये हमारे पास है, क्या नाम है इसका, नाम सॉल्ट ब्रिज, सॉरी हाँ सॉल्ट ब्रिज, तो इसमें से मैं क्या चाहूंगा कि सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट ही बाहर आए। पक्का? और आप जानते हो ये सॉल्यूट जो आपके पास है इसको डिसॉल्व करना है तो आपको सॉल्वेंट भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपने सॉल्वेंट पानी के रूप में ले लिया तो फिर ये आयन जो है वो हाइड्रेटेड होके क्या हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे। हम नहीं चाहते बड़े हों, हम क्या चाहते हैं, छोटे छोटे से बच्चे से रहे, जल्दी से मूवमेंट कर ले, आसानी से हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, पानी लूंगा क्या इस जगह, नहीं,
मैं नहीं चाहता वो हाइड्रेटेड हो, तो मैं क्या ले लूंगा, मैं ले लेता हूँ, आपको बताऊँ मैं क्या ले लेता हूँ, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड, पॉलीहाइड्रोक्सी जिसमें ओएच ओएच बहुत ज्यादा हो। तो इसके लिए जो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, तो इस इन्हें क्या बोलते हैं अपन, जेल, जेल बोलते हैं। तो जब अपन इसको जेल बोलते हैं, तो इसको अगर अगर भी बोल देते हैं, अगर अगर मतलब जेल ही हो गया। तो हम जो सॉल्वेंट यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, जेल को यूज करेंगे, न कि वाटर को। अगर वाटर यूज कर लोगे तो हाइड्रेटेड होके वो क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। जो सोडियम आप छोटा सा मान रहे थे आयन, वो अब क्या हो गया, हाइड्रेटेड होके बड़ा हो गया। और थर्ड पॉइंट, सॉल्वेंट ना गिरे, इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर सेमी परमीबल मेम्ब्रेन्स यूज, SPM यूज ऑन एंड कॉर्नर, एंड कॉर्नर पे आप यूज करोगे। बस बहुत आसान सा प्रोसेस है। अगर आपने सेमी परमीबल मेम्ब्रेन्स नहीं यूज किया, तो पूरा का पूरा सॉल्यूट सॉल्वेंट सब पानी में गिर जाएगा, खत्म इस पानी में। तो आप वो रोक देगा, वो रोक देगा सिर्फ जब जरूरत होगी तभी आराम से निकलेगा। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन्स में से आयन का मूवमेंट पॉसिबल है इस जगह, हो गया खत्म। तो यही हमारा काम था, लिखे इसको। ये आपका एक टर्मिनल टू रिड्यूस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इसको आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल अपने आप में ये कह रहा है कि भाई हम जिंक बन चुके हैं, तू मत बन, हमें एनायन नहीं मिल रहा। तो वो क्या करते हैं, जो पोटेंशियल लग रहा होता है उसको कम कर देते हैं, ठीक है। तो हम बन चुके हैं, अब दूसरे को नहीं बनने देंगे, बस वो वाली चीज है। लेकिन इसको एनायन बन गया, तो ये जो रोकने वाला चीज था वो खत्म हो गई, अब आराम से बनो, हम भी, हमें भी एनायन मिल रहा है। तो अब आप मेरे को बताइए कि मैं यहां पर छोटा सा पॉइंट बोल रहा हूँ, KF यूज कर रहा हूं, मैं क्या पोटेशियम सल्फेट यूज कर सकता हूँ क्या, नहीं। क्यों नहीं यूज कर सकता, क्योंकि बहुत सारे मेटल ऐसे हैं, मेटल आयन ऐसे हैं जिनके सल्फेट डिजोल्व नहीं होते, जैसे खासतौर पर बेरियम। तो वो क्या करते थे, पीपीटी बनाते हैं, और वो पीपीटी कहाँ बना देते हैं पता है, इस जंक्शन पॉइंट पे बना देते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज के ब्लॉक कर देंगे SPM को। फिर मेरे को लगा कि मैं यार क्या ले लूं, क्या लेना चाहता हूँ, हाइड्रोक्साइड ले लूं। हाइड्रोक्साइड तो ऑलमोस्ट सारे ही पीपीटी होते हैं डी ब्लॉक के, तो वो तो फिर तो बेवकूफी हो गई। तो OH तो लेना ही मत, क्लोराइड भी मत लेना, ब्रोमाइड भी मत लेना, सिल्वर का क्लोराइड पीपीटी बनाता है, ठीक है ना। तो अच्छा है, नाइट्रेट और फ्लोराइड, ये दोनों आयन ऐसे हैं जो बढ़िया हैं, मतलब इनके मैक्सिमम जो होते हैं सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, पीपीटी नहीं बनते। बस ध्यान रखना, लिथियम के केस में फ्लोराइड मत ले लेना, क्योंकि लिथियम फ्लोराइड पीपीटी बनाता है। तो लिथियम के केस में आप क्या लोगे, सॉल्ट ब्रिज, सोडियम नाइट्रेट, इसलिए सोडियम नाइट्रेट ले लो, पोटेशियम नाइट्रेट ले लो। इसलिए पोटेशियम नाइट्रेट में हर जगह पोटेशियम नाइट्रेट ले लेता हूँ, क्योंकि नाइट्रेट ऑलमोस्ट सभी के डिसॉल्व हो जाते हैं, सबसे बढ़िया है। ऐसा आयन लो जो पीपीटी नहीं बनाता हो, नहीं तो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन पे पीपीटी बनेगा, ब्लॉक हो जाएगी, काम खत्म। तो खत्म हो गया, ये बात समझ में आ गया। अब कुछ टर्म ऐसी है जो आपको यहाँ पर पढ़नी होगी, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मुझे ये यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये जो डेनियल सेल है, जो कि एक वोल्टाइक सेल का एक एग्जाम्पल है, इसमें कितना वोल्टेज जनरेट होगा, उस वोल्टेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर हम कोई और मेटल लेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या कैसे उसका वोल्टेज होगा, ये सब मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ एक तो काम ये हो गया मेरा, और इसको रिप्रेजेंट क्या ऐसे बड़ा डायग्राम बना के करेंगे, नहीं। तीसरा, ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, ये क्या है, सेल पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, EMF ऑफ सेल क्या है, इन सब टर्म को हम समझेंगे इसके बाद। तो सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करके हम लिखेंगे, ठीक है। अगर आप ये दोनों सेल को ध्यान से सुनना, दोनों को एक ही सॉल्यूशन में रख देते, तो पूरी की पूरी केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाती, हीट में। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन मूव तो करते ही नहीं, हाथों हाथ एक दूसरे को चेंज होता है, और पूरी केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाती, हीट में। अभी क्या करा कि अपन ने ये इलेक्ट्रॉन को इधर दिया, तो ये यहां से यहां मूव करेंगे, तो एक फोर्स लगेगा, उसके बीच में आप बल्ब या ट्यूबलाइट कुछ भी जला सकते हो,
पक्का? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि केमिकल एनर्जी का कुछ पार्ट ही इलेक्ट्रिकल में चेंज होगा, पूरी तरह से नहीं चेंज होगा। इसीलिए जब भी कोई आप बैटरी को यूज कर रहे होते हैं, जब मोबाइल यूज कर रहे हो बहुत तेजी से कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, गर्म भी होगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो हम ऐसे इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं या ऐसे इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो, इलेक्ट्रिकल, हीट में बहुत कम हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इस पर रिसर्च कंटिन्यू चल रही है। आने वाली मोबाइल बैटरी ऐसी बनाते जा रहे हैं, पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी हीटिंग की, बैटरी गर्म हो जाती थी, फूल जाती थी, तो अब ऐसे केमिकल यूज कर रहे हैं जो ज्यादा एनर्जी दें और फिर भी अच्छे से रहे, ठीक है? तो ये हमारा प्रोसेस रहा। शुरू करते हैं पॉइंट से, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहले तो था इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे, आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट मान लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट, सबसे पहला हमारे लिए होता है इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है। देखिए हम सिर्फ इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ये जो पार्ट आता है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, यानी ये मेटल और मेटल प्लेट और उसी का आयन, मेटल आयन, इस पूरी असेंबली को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। समझ में आ गया किसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं? फिर आता है एक और, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है, एनोड और कैथोड, ये भी हमारे पास आ गया। एनोड जहां ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड जहां रिडक्शन हो रहा है। मेरे साथ ही उतार लो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो हर एक इलेक्ट्रोड में दो पॉइंट होते हैं, या तो वो ऑक्सीडेशन लेना चाहता है या फिर रिडक्शन। तो जो उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की टेंडेंसी है या वो जो फोर्स है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। तो ये एक तरह से क्या हो गया, इट इज ए फोर्स टू डोनेट और गेन, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से। थर्ड हो गया हमारे पास लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। एक्चुअल में क्या होता है कि आप इसको ऐसे समझिए कि ये मेटल है, कोई सा भी ले लीजिए, जिंक ले लिया आपने और यहां जिंक प्लस टू है, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो तो देना चाहता है लेकिन जो जंक्शन पोटेंशियल है लिक्विड वो उसे रोकता है। तो यानी आसान भाषा में ये समझिए कि जो जनरेटेड जिंक प्लस टू है, इट रसिस्ट टू टू फॉर्म द न्यू जेड एन प्लस आयन। इट इज, तो एक तरह से क्या है, इट इज द रसिस्टेंस, रसिस्टेंस फोर्स या रसिस्ट फोर्स। टू फॉर्म न्यू फॉर्म आयन, तो नए जो बनने वाले आयन है उसको रोकना चाहता है। तो इन सिंपल वर्ड इट इज ए, इन सिंपल वर्ड इट इज ए नेगेटिव पोटेंशियल फोर्स।
ये हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल फोर्स का काम करता है, जो कि बहुत ही कम है। फोर्थ, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, ठीक है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अब आता है हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल, थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स ऑफ सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सही है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपने आप में सेल के लिए क्या होगा, तो ये एक तरह से रिलेटिव टेंडेंसी है। इसके अंदर दोनों का फोर्स काउंट होता है, एनोड का भी और कैथोड का भी। भाई ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास एनोड है, ये कैथोड है, ये देना चाहता है इलेक्ट्रॉन, ये लेना चाहता है, तो दोनों फेवर कर रहे हैं। तो दोनों का जो फेवर है, नेट फोर्स जो क्रिएट होगा वो आपके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये देना चाहता है, ये लेना नहीं चाहता, लेकिन ये जबरदस्ती दे सकता है, इतना पावरफुल है, तो भी आपके पास ईएमएफ कुछ ना कुछ होगा। समझ में आ रहा है? तो एक तरह से ईएमएफ ऑफ सेल हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन, इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, यानी नेट हमारे पास जो सेल का ईएमएफ है वो हमारे पास दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रोड, समझ में आ रहा है? ये हमारे पास है ई सेल, ये ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो ईएमएफ ऑफ सेल हमारे लिए दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है। आ रही है बात समझ में? और ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालेंगे हम, ई सेल निकालेंगे, बताइए रिडक्शन कहां होना चाहता है, एनोड पे या कैथोड पर? कैथोड पर रिडक्शन होना चाहता है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और एनोड पर क्या होना चाहता है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन होना चाहता है, लेकिन अपन लिख क्या रहे हैं उसका, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हमारे लिए हो गया एनोड, जिस पर जो हो रहा है पॉजिटिव, जिस पे जो नहीं हो रहा है लिया जा रहा है लेकिन, तो फिर नेगेटिव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर एक और की पॉइंट है, अगर आपके पास इफ कंडीशंस आर स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, कंसंट्रेशंस होती है मोल पर लीटर, और ये वैल्यू 1 आए, 1 m, 1 मोल पर लीटर, लीटर को डेसीमीटर क्यूब बोल सकते हैं। प्रेशर क्या हो जाएगा, 1 atm, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 298 केल्विन चलता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड कंडीशंस ये है हमारे पास, तो स्टैंडर्ड कंडीशन किसी को तो स्टैंडर्ड बोलना पड़ेगा आपके पास। प्रेशर 1 atm, कंसंट्रेशन दिस, और टेम्परेचर दिस, उस कंडीशन में हम हर चीज को स्टैंडर्ड बोलते हैं, ई नॉट से शो करते हैं। फिर उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ ऑफ सेल इज रिप्रेजेंट बाय किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे सेल। तो ई नॉट सेल अगर हम बात कर रहे हैं, ई नॉट सेल, तो एक तरह से फिर हर चीज ई नॉट चलेगी, ई नॉट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन है। फिर आपके पास हो जाएगा ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पर कैथोड पर तो रिडक्शन हो ही रहा है, एनोड पर रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, इसीलिए हमने माइनस लगाया। तो ये
एनोड, फर्क कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला है जैसे ई से एल निकाल लेंगे। क्या और भी फॉर्मूले बना सकते हैं? हाँ, अगर हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया होता तो कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होता? एनोड पर। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता, अब कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शंस। तो ये इस तरह से बनता फॉर्मूला। तो आसान भाषा में हमारे पास जहां जो हो रहा है वो लिख लो तो आपका काम हो जाएगा। इसको लिखें यहां तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक लिख लिया। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट सिंपल सा है, ये हमारे पास और भी फॉर्मूले बन सकते हैं। यानी ई नॉट सेल अगर हम बनाना चाहते हैं, ई नॉट सेल, तो ये सेल हमारे पास कैसे बनेंगे? ई नॉट सेल, एक और फॉर्मूला हो सकता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। अब आप मेरे को थोड़ा सा आईक्यू से बताएं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होता है? ऑक्सीडेशन एनोड का, और यहां क्या होगा? कैथोड। एक और फॉर्मूला बन सकता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। अब बताइए क्या लिखूं, दोनों तरफ माइनस है, तो इस जगह माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो यहां क्या लिखूंगा मैं? कैथोड। और यहां क्या लिखूंगा मैं? एनोड। तो समझिए ये है क्या ई सेल, एक बार और मैं बता देता हूं। मान लीजिए एक सेकंड के लिए, कुछ एग्जाम्पल के साथ, स्पेशल केस, हम इतना तो जानते हैं, हम क्या जानते हैं, इतना तो जानते हैं कि एक अकेले इलेक्ट्रोड से सेल नहीं बनता है, हमें दोनों इलेक्ट्रोड चाहिए, सही है, हमने ये सेल बना दिया। अब बात को समझिए, मान लीजिए ये देना चाहता है, ये देना चाहता है इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? +5। देना चाहता है सपोज, और 5 वोल्ट से देना चाहता है, कुछ यूनिट होती है देने की फोर्स की, यहां पर वो वोल्ट है, और ये लेना चाहता है, तो लेना चाहता है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल तो कितना आया? 5 मान लिया, 5 वोल्ट, और ये देना चाहता है 5 वोल्ट, इसको 3 लिख देते हैं, ये देना चाहता है और ये लेना चाहता है, तो लेना चाहता है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में होगा, और ये देना चाहता है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +5 में होगा, तो नेट यहां पर कितना ई जनरेट होगा? दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये भी मतलब एक तरह से क्या हो रहा है, ये इधर से फोर्स लगा रहा है, ये इधर से फोर्स लगा रहा है देने के लिए, ठीक है ना? पक्का इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है और ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा है, ऐसे समझिए। तो नेट दोनों के फोर्स क्या है? एक ही डायरेक्शन में आ गए, एक देना चाह रहा है एक लेना चाह रहा है, तो नेट फोर्स कितना क्रिएट होगा? ई सेल 5 + 3 कितना हुआ? 8। ये तो दे रहा है और ये खींच रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन एक ही आ गया, तो 5 + 3 क्या हो गया? 8। अब दूसरी तरफ मान लीजिए ये देना चाहता है और ये माइनस है, मतलब कह रहा है कि मैं देना नहीं चाहता, मैं लेना नहीं चाहता, मैं भी देना चाहता हूं, मैं भी देना चाहता हूं, ये भी देना चाहता है, ये भी देना चाहता है। कैसे पता चला ये देना चाहता है? क्योंकि इसका ई रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव है, तो इसका मतलब ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? माइनस तो वहां था, तो ये +3 वोल्ट हो जाएगा, तो ये भी देना चाहता है, ये भी देना चाहता है, ये 5 वोल्ट से देना चाहता है, ये 3 वोल्ट से देना चाहता है, तो दोनों फोर्स अपोजिट हो गए, तो यहां पर ई सेल कितना हो जाएगा? उस कंडीशन में जो ज्यादा दे रहा है उसमें से कम वाले को माइनस कर दो, तो अब इस तरह से ई सेल बनेगा। आ रही है बात समझ में? मान लो इसका रिडक्शन पोटेंशियल -5 है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +3 है, समझ रहे हो आप? तो एक तरह से क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल है, ये क्या कर रहा है? ये उधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये भी उधर लगा रहा है, तो दोनों क्या जुड़ जाएंगे? दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे, हमारे लिए फोर्स कहां आना चाहिए था? इस तरफ आना चाहिए था, और आ इस तरफ रहा है, तो
तो इसका मतलब ई सेल जुड़ेंगे तो सही, लेकिन आएगा -8। समझ में आ रहा है? अब आप इसको कंसेप्चुअली समझ लिया, अब इसको न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करोगे? आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, और -8 का मतलब क्या है? ये दो बातें आपके पास आ रही है। -8 का मतलब ये है कि दिक्कत ये हो रही है कि जिसको आपने एनोड बना रखा है वो कैथोड का काम करेगा, और जिसको कैथोड बना रखा है वो किसका काम करेगा? एनोड का। समझ में आ रही है? तो जो रिएक्शन आप लिख रहे हो वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, उसके अपोजिट वाली स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। यानी ए प्लस बी सी प्लस डी नहीं बना रहा, सी प्लस डी ए प्लस बी बना रहा है। आ रही है बात समझ में? जैसे आप सोच रहे हो कि कोई मेटल है और दूसरा मेटल है जिसको कैपिटल एम शो कर रहा हूं, ये इस तरह से बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। लेकिन आपके पास ई की वैल्यू हो रही है -8, तो इसका मतलब ये इस तरफ नहीं जा रही है, ये इस तरफ जा रही है। ठीक है? तो जब भी ई सेल नेगेटिव आता है तो वो रिएक्शन क्या होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में वो क्या हो जाती है? स्पॉन्टेनियस। इज दैट क्लियर? और क्या -8 निकालना फॉर्मूले से आसान था? हाँ। कैसे था? क्योंकि हमें क्या लिखना था? ई सेल जिस पे जो हो रहा है वो लिखना है हमारे को, हमें जिस पे जो हो रहा है वो लिखना है। और दूसरा एक और पॉइंट हमारे को यहां पर लिखना है कि कुछ पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, एक पॉइंट मेरे दिमाग में और है जो आपको बताना है। अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है एक्स, तो रिडक्शन पोटेंशियल उसी का क्या होगा? -x। यानी कुल मिला के ये चीज आ रही है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होते हैं, लेकिन साइन वाइज अपोजिट होते हैं। कोई डाउट नहीं? अगर आपको ये फॉर्मूले से निकालना था -5 और इसका कितना था +3, तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल क्या निकालोगे आप? इसका भी -3, इसका भी -5। और फिर मैंने फॉर्मूला बताया आपको, क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा हमारे को सोचना था कि यहां रिडक्शन पोटेंशियल, अब वो केस थोड़ा सा पुराना हो गया, मैं दोबारा से ले लेता हूं, केस को कंसीडर कर लेता हूं समझाने के लिए। मान लीजिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल -5 है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -3 है, तो ई सेल क्या होगा? मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस करते वक्त जिसका जो हो रहा है वही करो आप। इस पे क्या हो रहा है? एक मिनट, इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और दिया रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा? +5। और इसका ऑक्सीडेशन और दिया गया है, लिखना क्या है? रिडक्शन +3, तो कितना हो जाएगा? 8। सो इजी, जिसका जो हो रहा है वो लिखो आप। ये एनोड है, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, दिया रिडक्शन है, तो -5 दिया है तो +5, +5 दिया है तो -5। इस पे क्या हो रहा है और दिया क्या है? तो ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? साइन चेंज करोगे। बोलो हाँ या ना? तो ये आपको कंसेप्ट्स क्लियर रखना है। एक और एग्जाम्पल के साथ आप समझ ही लीजिएगा। अब यहां से लिखो, कंसेप्ट यहीं से बन रहा है, एग्जाम्पल यहीं से बन रहा है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास बनने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ नहीं, एक एग्जाम्पल लिखिएगा। अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल फर्स्ट, सॉरी, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड, ये सॉल्ट ब्रिज है। मान लीजिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है +3 और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है -5, तो ई सेल क्या होगा? जल्दी से बताओ।
जिस इसका क्या आएगा, रिडक्शन हो रहा है लेकिन लिखना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -3, और इस पे क्या हो रहा है +5 +2। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया कंसेप्ट समझ में। तो ये दो पॉइंट का ध्यान रखना आप, तो एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड, कंडीशंस ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, और कोई भी कर सकते हो अब तो, चुटकियों में बोलो कर सकते हो, लिख लो इसको। अगला टॉपिक जो हमारा आ रहा है रिप्रेजेंटेशंस, किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करें, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक को क्या बोलते हैं, वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ गैल्वेनिक सेल। देखिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इतना बड़ा सेल जहां एनोड पे ऑक्सीडेशन कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है ना, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे लिख दो एलोन, ALON, ए का मतलब एनोड, एल का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशंस, एन का मतलब नेगेटिव, ई का मतलब इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से हमारे पास होगा, जैसे हमने डेनियल सेल पढ़ा था, डेनियल सेल में क्या हो रहा था, जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशंस, तो वो एनोड हो गया। फिर ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, ये सॉल्ट ब्रिज के लिए आ गया, इसमें कौन भरा जाता है, KNO3, फिर Cu+2 Cu में, बस। तो एक तरह से यहां अगर कोई बताए तो आपको ये भी दे सकता है ई नोट, इसकी वैल्यू दे दी उसने 0.65 सपोज वोल्ट, तो ये दिया है, इसका मतलब ये जिंक से जिंक +2 में कन्वर्ट होने के लिए दिया है, और यहां क्या दिया है ई नोट, तो कॉपर +2 से कॉपर होने के लिए दिया है, और ये वैल्यू दे दी उसने सपोज कोई भी 4.45 है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू ही ले ली मैंने जो एनसीईआरटी में से। तो बताइए एग्जाम्पल भी बन गया, रिप्रेजेंटेशन भी बन गया, आंसर क्या होगा ई सेल का, 1 या 1.1, ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नोट सेल, ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कितना इजी है। तो ये है आपके पास 0.65 और ये है आपके पास 0.45, एंड दैट बिकम 1.1 वोल्ट, ये हो गया। तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी ले लिया हमने, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो गया रिप्रेजेंटेशंस कैसे करते हैं। तो ये एनोड है, ये लेफ्ट में लिखा जाता है, ये यहां पर ऑक्सीडेशन होता है, ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड तो होगा ही, खैर इधर की तरफ, ये उसका अपोजिट, ये कैथोड है, राइट में होता है, रिडक्शन होता है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोड होता है, पक्का। तो कितना आसानी से आपने किसी भी को रिप्रेजेंट कर दिया है। लेकिन ध्यान रखना, अगर दोनों जगह ऑक्सीडेशन या दोनों जगह रिडक्शन कर दिया तो आप गलत हो, तो गलत हो आप, बिल्कुल गलत हो, ठीक है। एक जगह ऑक्सीडेशन होता है और वो यही होता है, और यहाँ रिडक्शन होता है वो यही होता है, अगर इसके अलावा कुछ और लिख दिया तो गलत हो। हाँ, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल उल्टे दे सकते हैं, वो आप कर लोगे कन्वर्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एक नहीं मैं तीन एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और आपको पूछूंगा जल्दी से तीनों के क्या होंगे। यहां आपके पास ए है, ए +2 में चेंज हो रहा है, बी +2 बी प्लस में चेंज हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है या कितने का हो रहा है। यहां आपको दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 3 वोल्ट, और यहां पर भी दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 2 वोल्ट, दोनों जगह ऑक्सीडेशन चाहिए। तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी, आप खुद ही बताओ ई सेल की वैल्यू क्या होगी, यहां क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, पक्का, तो ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीडेशन ही चाहिए, और यहां पर -2 दिया, ऑक्सीडेशन है, रखना रिडक्शन है, आंसर 1 वोल्ट। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहां के के +2 में चेंज हो रहा है, और एल +3 से +1 में चेंज हो रहा है,
यहां दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 2 वोल्ट, और यहां दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -3 वोल्ट, और आपसे पूछा जा रहा है ई सेल क्या होगा। ई सेल तो आपने क्या करा, इसका रिडक्शन दिया है, रखना क्या है ऑक्सीडेशन, तो -2, इसका ऑक्सीडेशन दिया गया है, रखना है रिडक्शन +3, अगेन 1 वोल्ट। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, एक्स जो कि +2 में है और +3 में चेंज हो रहा है, स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने ली इसकी, कौन सा दिया जा रहा है, इस तरह से दिया जा रहा है, बोला नहीं जा रहा, ठीक है, इसने दे दिया, बोला नहीं है, तो बताओ ये क्या है, रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन है क्योंकि +3 से +2 में आ रहा है, होना चाहिए था ऑक्सीडेशन, तो वो तो रखते वक्त हम करेंगे, दिया उसने क्या है यहां पर रिडक्शन, फिर सॉल्ट भी दे दिया, और वाई आपके पास इस तरह से हो रहा है, वाई कन्वर्ट वाई प्लस 3 कन्वर्ट वाई प्लस 2, यहां आपको दे रखा है वाई प्लस 2 से वाई प्लस 3, यहां पर ये जो चेंजेज हो रहा है ये 1 है, 1 वोल्ट, तो यहां पर ई सेल की वैल्यू क्या होगी, -2 एंड -1, क्यों, क्योंकि इसको उल्टा करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा, तो नेट क्या आएगा -3, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, क्योंकि माइनस इलेक्ट्रोड आ रहा है, तो कब पॉसिबल होगी, अपोजिट डायरेक्शन में पॉसिबल होगी, यानी ये चीज क्या होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए वाई प्लस 2 वाई प्लस 3 और एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2, क्या चीज, मैं ध्यान से सुनिए, बहुत इजी है, एग्जामिनर ने कहा है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, तो वो सही है, यहां तक वो गलत नहीं है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन कोई दिक्कत नहीं है, और दिया इसने क्या है रिडक्शन पोटेंशियल और इसका दिया है ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो उसने दिया क्या इसका ऑक्सीडेशन, तो रखेंगे भी क्या हम ऑक्सीडेशन ही रखेंगे, जो दिया है वही रखेंगे हम, तो उसने ऑक्सीडेशन दिया है तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही रखेंगे, कितना रखेंगे -3, इसका रिडक्शन है तो रिडक्शन ही रखेंगे, तो नेट हमारे पास क्या रहा है -3, इसका मतलब ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, जो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है फॉरवर्ड में वो बैकवर्ड में क्या होती है स्पॉन्टेनियस, बोल समझना बात, बोल नीचे जाना स्पॉन्टेनियस है, नीचे से अपने आप ऊपर आना नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो जो चीज फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस है बैकवर्ड में नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, फॉरवर्ड में नॉन स्पॉन्टेनियस है बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस हो जाती है, वैसे ही ये चीज हमारे पास डिफाइन होती है, यानी एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन दिया है हमें वो नॉन स्पॉन्टेनियस है बस, और कुछ भी नहीं, हाँ एग्जामिनर अगर ये क्वेश्चन उल्टा देता, यहाँ एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 2 या वाई प्लस 2 से वाई प्लस 3, वो भी सही होता, उसका आंसर भी सही होता, ठीक है, लेकिन हम अपनी तरह से चेंज नहीं कर सकते, लिखो इसको।